तो गाइस जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और अरबाज और जानवी इन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट हो गई और दोनों ने एक दूसरे को खूब सुनाया। तो चलिए जानते हैं पूरा मुद्दा क्या था। तो गाइस कैप्टनसी टास्क के पहले ही राउंड में जानवी ने सबसे पहले मैजिकल मनी को हासिल किया, जिसके बाद फिर जानवी ने कैप्टनसी की रेस से सबसे पहले बाहर किया अरबाज को, जिसके बाद फिर बाहर आकर अरबाज ने बोला कि इतना क्या गुस्सा है तुझे मुझ पर, जिसके बाद फिर जानवी बोली कि मैं तो बिग बॉस को और कारण देने वाली थी तेरे बारे में, मगर बिग बॉस ने मुझे उधर ही रोक दिया। इसके बाद तो निक्की भड़की जानवी के ऊपर और कहा कि मीठा बोल बोलकर हमको चाय भी मत पिलाया करना फिर, जिसके बाद फिर जानवी कहने लगी कि यही तो मेरी गलती थी, मैंने तो दोस्त समझ के पिलाया था मगर तू तो दुश्मन निकली। जिसके बाद फिर अरबाज और जानवी इन दोनों के बीच में भी काफी हीटेड आर्गुमेंट होती है, जिसके बाद फिर जानवी अरबाज को ये बोली कि तुम लोगों ने मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया था और मुझको डायरेक्टली कैप्टनसी के रेस से ही बाहर किया। जिसके बाद फिर अरबाज जानवी से ये कह रहा था तूने बाथरूम के बाहर हमसे क्यों भीख मांगी थी कि मुझे कैप्टन बनाओ। जिसके बाद फिर जानवी भी इसी बात पर काफी भड़क जाती है और कहती है कि जब तू पहली बार कैप्टन बना था वो कैप्टन मैंने तुझे बनाया था तो भीख मैंने तुझे दी है ना कि तूने मुझे। इसके बाद तो अरबाज शांति हो जाता है और फिर जानवी कैमरा के आगे ये कहती है कि बिग बॉस आज मुझे बहुत मजा आया, कि कैप्टनसी की कंटेंडेंट हासिल करने से ज्यादा बुरा तब लगता है कि जब हम उसको कैप्टनसी के रेस से बाहर करते हैं और आज मैंने अरबाज को वही सबक सिखाया है। सो गाइस जानवी ने तो अपना पूरा बदला ले लिया है अरबाज से और किया अरबाज को कैप्टनसी की रेस से बाहर। तो अब देखना ये होगा कि आगे और कितने कंटेस्टेंट होते हैं कैप्टनसी की रेस से बाहर और कौन बनेगा घर का नया कैप्टन। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।